गाइज वेलकम टू माई चैनल। तो आज मैं करने वाली हूँ 5 मिनट मेकअप चैलेंज। जी हाँ, मैं 5 मिनट मेकअप चैलेंज करूँगी। ये नहीं कि सिर्फ पाउडर क्रीम लगा लूँगी बस हो गया, मैं साथ साथ आपको पूरे बेसिक से लेकर एंड तक सारे मेकअप करने वाले, जिस जो आपकी वेडिंग में भी काम चल जाएगा, साथ ही साथ एंगेजमेंट से लेकर पार्टी वेयर मेकअप होने वाला है, कोई सिंपल मेकअप नहीं होने वाला, ऐसा मेकअप बताने वाली हूँ जो कि आप कहीं भी ये मेकअप करके जा सकते हो, 5 मिनट में आप कर सकते हो। तो ये भी मेरे लिए खुद के लिए चैलेंज होने वाला है, क्योंकि मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया है 5 मिनट मेकअप चैलेंज। तो मैं जल्दी से आपको दिखाती हूँ मैं कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करने वाली हूँ, तो आप जल्दी से इसका ब्यूटी शॉट देख लो। आप देख लो मैं ये सारी प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ अभी फेस में मेकअप के लिए, मतलब पार्टी वेयर, वेडिंग मेकअप या फिर ऐसा मेकअप जो कि आप करके कहीं भी जा सकते हो गाइस। तो यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, मैंने कॉटन रखा है, आप कॉटन हमेशा रखो क्योंकि मेकअप करते हो तो कभी भी आगे पीछे यहाँ वहाँ लग सकता है, तो उसे रिमूव करने के लिए कॉम रखा हुआ है, काजल रखा है, लिपस्टिक रखा हुआ है, सनस्क्रीन रखा है, आई शेडो रखा हुआ है, टोनर है। अब मैं प्राइमर के जगह रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ, मैं फाउंडेशन यूज़ करूँगी लैकमे का। यहाँ मैंने आईब्रो पेंसिल रखा है, लिप लाइनर रखा है, लिप ग्लॉस रखा है, आई लाइनर रखा है और मस्करा रखा है और पाउडर कॉम्पैक्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर वाइट टैन पाउडर यूज़ करूँगी बिकॉज मैं ये यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो ये है सारे प्रोडक्ट ब्यूटी सेट में देख रहा है कि मैं सारे प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ, सारे प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ, कोई भी चीज़ मैं चीटिंग नहीं कर रही हूँ। जो जो आपको बेसिक चाहिए, बेस से लेकर फाउंडेशन लेकर सब कुछ यूज़ करूँगी और लाइव आपको 5 मिनट मेकअप करके दिखाने वाली हूँ। मैंने भी पहले नहीं किया है तो मैं भी नर्वस हूँ कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्ट। मैंने फेस में अभी कोई मेकअप नहीं किया हुआ है और सबसे पहले हम यहाँ पर टोनर लगाएंगे। तो टोनर इसलिए लगाते हैं क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा आपकी डस्ट होगी वो हट जाएगी मेकअप से पहले और थोड़ी सी स्किन क्लीन हो जाती है और एक्स्ट्रा मेकअप भी है तो वो भी रिमूव हो जाती है। तो इस तरह से लगा लेंगे, हम कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे। 5 मिनट मेकअप चैलेंज में मैं सारी चीज़ें यूज़ करने वाली हूँ, दैट्स इट। तो अब हम लगाने वाले हैं यहाँ पर प्राइमर के रूप में, हम लगा रहे हैं यहाँ पर रोज़ वाटर। रोज़ वाटर को भी हम कॉटन में ले लेंगे और सारे के जैसे मैंने बोला प्राइस यहाँ पर दिखते जाएगा आपको, तो प्राइस अब देख आपको प्राइस पता चल जाएगा सारे प्रोडक्ट के। तो हम यहाँ पर लगा ले रहे हैं रोज़ वाटर, जैसे मैंने बोला कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे हम। तो हर जगह पे आपको अच्छे से टैप टैप करके अच्छे से रोज़ वाटर लगा लेना, बिकॉज रोज़ वाटर क्या होता है ना कि आपकी स्किन को कवर देता है आपको मेकअप से। तो इस तरह से कर लेना है, फटाफट से मैं कर रही हूँ। तो हम थोड़ा देर सूखने देंगे, थोड़ा सूखना बहुत जरूरी है। अब हम इसका फाउंडेशन का तैयारी करते जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लैक्मे का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, ऐसे आप चाहें तो इसको ब्रश से भी, कॉटन से भी, किसी से भी लगा सकते हो, लेकिन मैं इसके हैंड से ही टैप टैप करके लगाऊंगी बिकॉज अभी थोड़ी फास्ट मेकअप भी करनी है और मुझे हाथों से मेरा बहुत अच्छा है ब्लेंड, मुझे लगता है होता है ज़्यादा। आप भी कोशिश करना कि यदि हाथों से हो जाए तो हाथों से कीजिए, जरूरी नहीं है कि आपको ब्लेंडर की ज़रूरत है, लेकिन एकदम सॉफ्ट हाथों से इस तरह से चलाना है, देख सकते हो ब्लेंड हो रहा है। तो इस फाउंडेशन का मैंने फुल रिव्यू किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप जाके चेकआउट कर लेना। तो आराम से फाउंडेशन भी हमारी लग गई है, अच्छे से लगा लेना है क्योंकि फाउंडेशन हर जगह लगी होनी चाहिए। आप चाहे तो गले पे भी लगा लो थोड़ा थोड़ा, तो मैं यहाँ पे अभी गले पे नहीं लगा रही हूँ बिकॉज चैलेंज चल रही है। तो हो गया, यहाँ पे मेरे फाउंडेशन कंप्लीट हो गए हैं, दैट्स इट। अब हम लगाने वाले हैं इसमें, अब हम आई मेकअप करने वाले हैं। तो आई मेकअप के लिए हम लाइनर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर वाटरप्रूफ, मैं यहाँ पे स्केच वाला यूज़ कर रही हूँ बिकॉज से थोड़ी फास्ट लाइनर लगती है और सही से लग जाती है और सूखने भी टाइम नहीं लगता। ये थोड़ी मोटी, दैट्स इट, मेरी आई मतलब लाइनर लग चुकी है। अब हम लगाएंगे काजल, दैट्स इट, हम काजल भी मेरा डन हो चुका है। अब हम करने वाले हैं लिपस्टिक, फिर इसको लगाने से पहले हम लिप बाम लगा लेते हैं बिकॉज लिप को भी केयर देनी जरूरी है, कोई चीज़ स्किप नहीं करना है मुझे चैलेंज में।
तो यहाँ भी लैक्मे का लिप लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ, लिपस्टिक बता लिप बाम यूज़ कर रही हूँ, लिपस्टिक मैं ग्रीन टी का यूज़ कर रही हूँ। दैट्स इट। अब हमारी लिपस्टिक जो फैल चुकी है उसको हम सेट करेंगे लाइनर से, लिप लाइनर से। आप पहले भी लिप लाइनर लगा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा लिपस्टिक के बाद ही लगाती हूँ। बिकॉज मैं फिल भी कर देती हूँ जहाँ जहाँ लिपस्टिक नहीं लगी है। दैट्स इट, मेरी लिप लाइनर भी लग चुकी है। अब हम करने वाले हैं, लगाने वाले हैं मस्करा। दैट्स इट, हमारी मस्करा भी लग चुकी है। अब हम पाउडर लगाने वाले हैं। आप चाहें आप कॉम्पैक्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं व्हाइट एंड पाउडर लगा रही हूँ। पर आईज के नीचे में आप लगा लो और सब जगह लगा लो, और थोड़ी सी आईब्रो को भी डीप करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं आईब्रो डीप कर लेती हूँ। दैट्स गाइस, मेरी मेकअप डन हो चुकी है। 5 मिनट जैसे कि आपने देखा, मैंने कोई स्किप नहीं किया है। 5 मिनट्स में आपको मैंने दिखाया है मेकअप। ये एक नेचुरली मेकअप है जो कि आप करके कहीं भी जा सकते हो। इससे भी हैवी मेकअप होती है, कट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन ये बेसिक बेसिक मैंने मेकअप किया है जो कि आप जा सकते हो 5 मिनट्स में। कोई हैवी में मैंने उतना नहीं किया है, आराम से मैंने किया है। जबकि लाइनर काजल में भी बहुत टाइम लग जाती है। तो दैट्स इट गाइस, तो ये चैलेंज वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। और आप देख सकते हो मैं कैसी लग रही थी और अब कैसी लग रही हूँ मेकअप करने के बाद। अब ये मेकअप में आप कहीं भी जा सकते हो, कॉलेज, ट्यूशन, वेडिंग में, पार्टी वेयर मेकअप ये होने वाला है। तो आप देख सकते हो लोग, तो 5 मिनट में इतनी मेकअप हो सकती है। दैट्स इट। आप वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर जरूर कर देना। जैसे मैंने और सारे प्रोडक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो कुछ पसंद आएगा तो आप परचेज भी कर सकते हो। तो गाइज, ऐसे ही मेरे चैनल पे आपको हेल्थ, स्किन, हेयर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज मिलते रहते हैं। तो चाहिए तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।